इन लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन सब टर्म्स को हम लोगों ने वन बाय वन एक्सप्लेन किया था आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे electrolytes what is electrolyte before it we have to know about the ions what is ions ions generally atoms or group of atoms which are electrically charged ज आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज ऐटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर नोन एज आयस जनरली इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को आयंस कहते हैं बट क्वेश्चन इज हाउ इज आयन फॉर्म्ड आयन बनता कैसे है first of all we will discuss about ions how is ion formed at first according to definitions electrically charged electrically charged Atoms or group of atoms are known as ions. Electrically charged atoms or group of atoms are known as ions. Ions are of two types. First of all, cations, and second is anions. Cations positively charged ions positively. charged ions positively charged ions are known as cations and negatively charged ions are known as anions but question is how is ions formed when an atom और ग्रुप ऑफ एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वी कैन से बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम बिकम्स एन आयन। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम आयन बन जाता है आय्स आर ऑफ टू टाइप्स व्हेन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स वेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कब होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सपोज़ एक एटम पे जीरो चार्ज होता है दैट मीन्स एटम्स आर न्यूट्रल एटम्स न्यूट्रल होते हैं दैट मीन्स ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टम्स आर न्यूट्रल ऐटम्स आर न्यूट्रल्स बिकॉज इट कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिव जब ऐटम न्यूट्रल होता है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट मीन्स जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं अब यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस कंडीशन में प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एटम में पॉजिटिव पार्टिकल की संख्या अधिक होगी और एटम पर प्लस चार्ज आएंगे दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा एटम कैटाइन बन जाता है जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल की संख्या निगेटिव पार्टिकल की संख्या से अधिक हो जाती है और एटम कैटायन बनता है जस्ट इसके अपोजिट यदि कोई एटम यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉम ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है दैट मीन्स नंबर ऑफ़ निगेटिव पार्टिकल्स बिकॉम मोर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड एटम हैज नेगेटिव चार्ज एटम हैज़ निगेटिव चार्ज दैट मीन्स एटम बिकम्स एनायंस तो कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं एनायंस पे निगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या कहें कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैट कैथोड पे डिस्चार्ज होते हैं एनायंस ए नोड पे डिस्चार्ज होते हैं बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस अपोजिट चार्जेस एट्रैक्ट इच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल इच अदर